बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ग्रेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले जो है मैंने अपनी शर्ट का जो ये फ्रंट का पीस है, ये इसकी जो है लेंथ मैंने तकरीबन 40 इंच निकाल ली है, क्योंकि मुझे जो तैयार रखा कुर्ती चाहिए वो है 39 इंच। तो मैंने ये 40 इंच का जो कपड़ा है वो निकाल लिया है, और इसकी जो अंगरखा का घेर है वो मैं 36 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। तो लेकिन ये जो फ्रंट का हिस्सा है इसको मैं तकरीबन 41 इंच मैंने ये इसके फ्रंट का पीस निकाला है, और इसकी जो है बैक का वो मैंने 36 इंच चौड़ाई ली है इस तरफ चौड़ाई, और जो मैंने लेंथ है वो उसके अपने अंगरखा की 39 इंच तैयार करनी है। तो इसके लिए ये मेरी जो है अंगरखा का बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को मैंने नीचे बिछा दिया है। नीचे बिछाने के लिए मुझे एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो है एक हिस्सा आपने फ्रंट का जो है कटिंग के लिए ये मैंने यहाँ से तकरीबन 5 इंच आगे बढ़ा कर रखा हुआ है इस तरह। ये वाला हिस्सा सिर्फ एक साइड इस तरह मैंने एक साइड 5 इंच बढ़ा कर रखी हुई है आगे, और उसके ऊपर यहाँ पे 5 इंच के बाद मैंने कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे उसकी कॉर्नर वाली तह आ गई है। ये मेरी शर्ट का जो है अंगरखा और फ्रॉक का फ्रंट वाला हिस्सा है। अब मैं बैक जो हिस्सा है उसको बिल्कुल बराबर में ही इस तरह तह लगाकर रख लूंगी। अब इसको मुझे रखने के लिए इस तरह करना है कि ये जो है फ्रंट वो मेरी ये सीधा ये सेंटर में आएगा। ये वाला चीज, ये जो मैंने कॉर्नर वाला हिस्सा है ये सेंटर में देना है, और इस साइड पे ये जो डबल फोल्डिंग है मैं इस साइड पे अपने कंधे की कटिंग और इसकी जो है फ्रिल की कटिंग करूंगी। तो इसको इस तरह बिछाने के बाद मैं जो जो अपने बैक का हिस्सा है इसको मैं इस तरह रखूंगी जैसे हम एक नॉर्मल कमीज रखते हैं, उसी तरह ये जो दो पल्ले इसके खुले हुई साइड है ये इस तरह पाएगी। इस तरह इसको हम इस साइड को बराबर पे ही इस तरह ले लेंगे ऐसे। अब मेरे पास जो है ये अंगरखा के ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये उसका एक हिस्सा 5 इंच बढ़ा हुआ है, और एक हिस्से को मैं तकरीबन 1 इंच बढ़ाकर बैक से भी ज्यादा रखूंगी, ताकि ये जो सेंटर में फोल्डिंग दूंगी तो उसके लिए मुझे ये आसानी से कपड़ा मिल जाएगा अंदर फोल्डिंग के लिए। अब इस साइड पे जो है मैं अपने कंधे की कटिंग और अंगरखा की फिटिंग की कटिंग करूंगी। सबसे मेन चीज जो है अंगरखा में आपको इसको ये कपड़े की जो तह है इसको सही तरह रखने का तरीका है। बैक फ्रंट को मैंने नीचे रखा है और बैक को मैं ऊपर रख कर अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। कटिंग मैं यहाँ से मैं अपने जो है फ्रंट की जो है कटिंग करूंगी। सबसे पहले जो मैं अपने कंधे का नाप ले लूंगी यहाँ पे, जैसे हम एक नॉर्मल शर्ट का नाप लेते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से से जो बैक का हिस्सा है इसी के कॉर्नर से मैं नाप लूंगी। ये तकरीबन मैंने 7 इंच पे यहाँ निशान लगा लिया है, और कंधे का मैं जो है निशान 8 इंच पे रखूंगी। जो मेरी शर्ट की जो चेस्ट की फिटिंग है वो तकरीबन 20 इंच है, तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी एक, और एक निशान मैं तकरीबन 1.5 इंच के कटिंग के मार्जिन के लिए आगे रखूंगी। इसके बाद मैं इन निशान को सीधा कर लूंगी। इस तरह ये जो है मेरी चेस्ट का नाप हो गया और ये शोल्डर का नाप हो गया। इसके बाद मैं अंगरखा की फिटिंग का नाप लूंगी। ये जो है इसकी फिटिंग मैं 6.5 पे एक नीचे मशीन निशान लगाऊंगी यहाँ पे इस तरह।
इस निशान को भी मैं इस तरह सीधा कर रही हूँ। अब इसके बाद जो है मैं इसके फ्री का निशान ले लूंगी। यहाँ पे फिटिंग पे मैं रखकर ये जो है अपने तिरछा नाप दे दूंगी। फिटिंग का निशान भी हम साथ ही में लगा लेंगे। मुझे तकरीबन ये 18.5 पे इसका चाहिए, तो मैं ये यहाँ पे इसको फिटिंग में ले लूंगी इस तरह। तकरीबन हमारे जो है अंगरखा की मुकम्मल हो गई है। ये हमारी स्टिचिंग का नाप होगा और ये इस नाप पे मैं अपने अंगरखा के फ्रॉक की कटिंग करूंगी। और यहाँ पे मैं तीरे का भी आधा इंच पे शोल्डर का निशान अच्छा लगा लूंगी इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है इसके कंधे की गोलाई भी ले लेंगे इस तरह। ये जो है हमारी शर्ट की फ्रंट का हिस्सा वाला सारी हो गई है लाइनिंग, इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसकी कटिंग हम तकरीबन नॉर्मल एयरलाइन फ्रॉक जो हम कटिंग करते हैं उसी की तरह होगी, लेकिन जो है इसका फर्क वो होगा कि ये जो हमने इसका ये वाला हिस्सा बढ़ा के रखा हुआ है यही हमारी अंगरखा की जो है वो डिजाइनिंग, इसी से हम अपने अंगरखा की लुक तैयार करेंगे। आधा इंच पे हम नीचे तीरे का भी निशान लगा देंगे इस तरह। ये हमारा जो है ये बैक का हिस्सा है और यहाँ पे ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। यहाँ पे जो है हम अपने 4.25 इंच पे अपने कंधे का निशान लगाएंगे इस तरह। और जैसे हम अपने नॉर्मल गले की जो है लेंथ लेते हैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी इस तरह। ये जो हम अपने रखा के गले की कटिंग कर लेंगे साथ में ही ऐसे, ये मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने निशान लगा कर इसको थोड़ा सा ऐसे वी को डीप वाली वी को शेप दे लेनी है इस तरह। इसकी कटिंग दोनों हिस्सों की मैं बराबर पे ही ले जाऊंगी। यहाँ पे कॉर्नर पर आकर मैं रोक दूंगी और एक निशान मैं इस वाले अपने कपड़े पे 10 इंच की गहराई पे लगाऊंगी यहाँ पर इस जगह पर। और ये जो मैंने अपने गले का निशान यहाँ पे लगाया है इसको मैं ऐसे ही नीचे लेकर आऊंगी ऐसे। इस तरह से जो ये मैं अपना बैग उठा लूंगी और मैं आपके आपको सीधा रखकर दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरह हो जाएगा।
पोर्शन हमारा जो है उसका नीचे आ जाएगा और इसके बाद इसकी कटिंग गले को हम इस तरह सेट कर देंगे। इस तरह अब ये जो है हमारे अंगरखा फ्रॉक की जो कटिंग है वो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है मैंने ये मेरे टी शर्ट के नीचे साइड पे बॉर्डर लगा हुआ था वो बॉर्डर को मैंने दो हिस्सों में कटिंग कर ली है। एक जो हिस्सा है वो मैं ये नीचे घेरे पर लगाऊंगी और एक हिस्से का जो छोटा सा पीस है तकरीबन मैंने ये 1.25 इंच चौड़ाई में कटिंग किया है ये मैं अपने अंगरखा के फ्रंट की फ्रंट लाइन पे लगाऊंगी। तो इस तरह सबसे पहले मैं अपनी जो है ये मेरी अंगरखा का शर्ट है इसको इस बॉर्डर के साथ जोड़ लेती हूँ इस तरह। मेरे जो है उल्टी साइड पे मैं इसको रखूँगी ऐसे, ये कपड़े की उल्टी साइड है और जो ये मैं अपना पीस लगा रही हूँ इसकी सीधी साइड है। मैं यहाँ से फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे लेती जाऊँगी इस तरह। तकरीबन आधे इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन में कपड़े के अंदर रखती जाऊंगी और इस तरह ये मैं अपने जो अंगरखा के ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर ये बॉर्डर की सिलाई मुकम्मल कर लूंगी। ये इसी तरह मैं नीचे तक ये सिलाई लेकर जाऊंगी। ये जो है मैं नीचे तक ये सिलाई ऐसे ही लेकर जाऊंगी इस तरह। ये सिलाई फ्रंट पे हमारी सीधी गले पर भी और नीचे नीचे वाली पट्टी जो नजर आएगी उस पर भी इसी तरह ये सीधी ऐसे ही चलती। यहाँ जो है ये कॉर्नर पे आकर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ लूंगी। इस तरह इसी तरह जो है ये दूसरी वाले साइड दूसरी साइड वाले हिस्से पर भी मैं ऐसे ही ये पट्टी लगा लूँगी गले पे लगाने के लिए। ये भी मैं ये वाला उल्टी साइड है शर्ट की और जो मैं पट्टी लगा रही हूँ उसकी सीधी साइड है इस तरह। थोड़ा सा बढ़ा कर ले आएंगे और इसको इस तरह मैं मुकम्मल कर लूँगी। ये फोल्डिंग को इस तरह लगाने के बाद मैंने इसको सीधी साइड पे उल्टा कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं जो है यहाँ पे मज़ीद एक सिलाई लगा लूँगी फोल्डिंग के बाद। ये मैंने थोड़ा इस्त्री की मदद से इसको सेट कर लिया, इससे आपको लगाने फोल्डिंग करने में भी पट्टी लगाने में भी आसानी होगी और जो है नीट भी बनेगी। तो अब ये मैं ये वाली सिलाई भी मुकम्मल कर लेती हूँ। इस वाली सिलाई के यहाँ पे जो है ये गले की जो नोक जहाँ पे हम फोल्ड टर्न लेंगे यहाँ पे भी मैंने इस्त्री की मदद से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और तह लगा ली है। ये हम इसकी सिलाई ऐसे ही नीचे तक लेते जाएंगे। हम दूसरी साइड वाले गले की ये जो छोटी पट्टी है जिस साइड पे उसको भी इसी तरह मुकम्मल कर लेंगे। ये मेरे दोनों साइडों पे पट्टियाँ मुकम्मल हो गई हैं। अब ये जो मैं नीचे वाला हिस्सा है अंगरखा का नीचे रखूँगी कपड़ा उसकी जो है मैं यहाँ पे
इसको भी इस तरह फोल्ड लगा लूँगी। ये कपड़ा जो है ये फोल्डिंग वाला, ये हमारा अंदर की तरफ होगा। इसको मैं सिलाई लगा लेती हूँ। ये जो है मैंने फ्रंट के ये नीचे वाले हिस्से की ये वाली सिलाई जो है मैंने सारी मुकम्मल कर लिया यहाँ से। अब हम जो है अपनी ये जो फ्रंट का ऊपर वाला हिस्सा है ये मैंने पट्टी लगाई है, और ये नीचे वाला हिस्सा अब मैं यहाँ पे गले का निशान लगा लूँगी। इस तरह तकरीबन मैं 7.5 इंच पे मैंने यहाँ पे गले का एक निशान लगाना है। गले की कटिंग फोल्डिंग के लिए यहाँ पे मैं दोनों तरफ से निशान लगा लूँगी इस तरह। ये देखिए इस तरह और निशान लगाने के बाद जो है मैं अपना बड़े वाला हिस्सा ऊपर रखूँगी, और इसी तरह नीचे वाले हिस्से को यहाँ पे रखकर ये निशान जो मैंने लगाया है इन दोनों को आपस में जोड़ लूँगी, और यहाँ पे अपनी सिलाई जो है मैं नीचे की तरफ लेती आऊँगी। इसको हमने ये जो मैंने इसके सेंटर के गले के निशान लगाए हैं उनको ऊपर रखकर ये सिलाई जो साइड वाली है मैं नीचे तक ले जाऊंगी, लेकिन ये मैं बिल्कुल नीचे नहीं लूंगी, तकरीबन 10 इंच ऊपर आकर ताकि मेरा फ्रंट खुला रहे मैं ये सिलाई रोक लूंगी। अब यहाँ से मैं सिलाई शुरू करती हूँ। ये मैंने गले को जोड़कर तकरीबन उसकी सारी सिलाई यहाँ से मुकम्मल कर ली है। अब मैं जो है इसके नीचे के जो बॉर्डर हैं उन पे अपनी पट्टियाँ लगा लूँगी। इस तरह से बॉर्डर के लिए मैंने ये वाली पट्टियाँ निकाली हैं। अब मैं इनको लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह इसका मैंने फ्रंट तैयार कर लिया है। इस तरह कुछ इसके घेर पर भी मैंने ये बैच लगा लिए हैं जो इसके नीचे वाले हिस्से पर लगने थे। ये वाला हिस्सा जो है नीचे का आगे बढ़ा हुआ है, और इसके ऊपर भी मैंने पट्टी लगा कर इसका ये फ्रंट शर्ट का फ्रंट तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने ये इसके बैक को भी तैयार कर लिया है। बैक पे मैंने ये छोटी वाली पट्टी लगाई है, ये जो मैंने यहाँ पर लगाई है, और उसके साथ बाजू पर जो है मैंने इसके साथ ये वाली लगा दी है पट्टी। अब ये हम इसको तकरीबन जो है हमारा ग्रेप था फ्रंट और बैक तैयार हो गया है। अब बाकी जो इसकी मज़ीद स्टिचिंग है वो हम कर लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको ये भी तैयार करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह।